एक्स्ट्रा टाइम। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का एक सेशन और इंग्लैंड के क्लिफ्टन में बिताए वक्त ने श्रेयस अय्यर के करियर को नया चढ़ाव दिया। श्रेयस अय्यर इंडिया के लिए ऑलमोस्ट नंबर 4 की पोजीशन अब परमानेंट कर चुके हैं छोटे फॉर्मेट्स में। टीम मैनेजमेंट ने जो श्रेयस अय्यर पे भरोसा दिखाया है उसको उन्होंने नीचा नहीं किया और बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हाल ही में हुए न्यूजीलैंड टूर में वो हाईएस्ट रन गेटर बने। नंबर 4 की पोजीशन पे बैटिंग करते हुए उन्होंने 217 रन बनाए थे जिसमें एक सेंचुरी और 2 अर्धशतक इंक्लूडेड थे। वेस्टइंडीज के टूर में भी उन्होंने 2 अर्धशतक लगाए थे जहां वो नंबर 5 की पोजीशन पे बैट कर रहे थे। इंडियन क्रिकेट टीम मैनेजमेंट ने अंबती रायडू, विजय शंकर, ऋषभ पंत सभी को नंबर 4 के पोजीशन पर ट्राई किया था। ये सब जब फिट नहीं बैठे फिर उसके बाद इंडियन टीम मैनेजमेंट ने दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन श्रेयस अय्यर को नंबर 4 के पोजीशन के लिए ट्राई किया और वो सक्सेसफुल रहे। आप अगर मुंबई से आए इस क्रिकेटर के करियर को देखेंगे तो 2 ऐसे मोमेंट्स थे इनके करियर में जिन्होंने इनके करियर का रुख बदल दिया। एक जब ये 16 साल के थे तब इनके पापा इनको एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट के पास ले गए थे जब अचानक इनका फोकस क्रिकेट से हट गया था और इनकी परफॉर्मेंस बहुत ख़राब हो गई थी। उस सेशन के बाद श्रेयस अय्यर का दिमाग काफ़ी खुला और वो बहुत कॉन्फिडेंट दिखने लगे एज अ क्रिकेटर। श्रेयस अय्यर के कोच हैं प्रवीण आमरे जिनके अंडर श्रेयस अय्यर ने अपने बैटिंग के स्किल्स को निखारा है। एज लेवल क्रिकेट में अच्छा करने के बाद श्रेयस अय्यर को मौका मिला इंडिया अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम में, बट उस साल वर्ल्ड कप यूएई के स्लो और लो पिचेस के ऊपर खेली गई थी और वहां श्रेयस अय्यर अच्छा नहीं कर पाए। इसके बाद श्रेयस अय्यर को इंग्लैंड भेजा गया क्लिफ्टन विलेज क्रिकेट क्लब की तरफ से खेलने के लिए। वहाँ वो बिल्कुल अकेले थे, वो क्रिकेट खेलते, अपना खाना खुद बनाते और अपने काम खुद किया करते थे। ये एक बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था श्रेयस अय्यर के लिए और वो क्लिफ्टन के इस एटमॉस्फेयर को एंजॉय करने लगे। 12 मैचेस में उन्होंने 4 शतक वहां पे लगाए और वहां के लोकल्स के बीच श्रेयस अय्यर हीरो हो गए थे। क्लिफ्टन में बिताए वक्त ने श्रेयस अय्यर को एक अलग सा कॉन्फिडेंस दिया और जब वो इंडिया वापस आए तब उन्होंने अपने पहले रणजी ट्रॉफी सीजन में कमाल का परफॉर्मेंस दिया और 50 की एवरेज से 809 रन बनाए। उसके बाद 2015 और 16 के रणजी ट्रॉफी सीजन में श्रेयस ने 1321 रन बनाए जिसमें 7 अर्धशतक और 4 शतक शामिल थे और उनका एवरेज था 73 का। उसके बाद उन्हें टीम इंडिया में चांस मिला और उनका ओडीआई डेब्यू श्रीलंका के अगेंस्ट हुआ। अब तक 18 वनडे इंटरनेशनल्स में टीम इंडिया के लिए श्रेयस ने 748 रन किए हैं 50 के एवरेज से जिसमें 1 शतक और 8 अर्धशतक शामिल है। 22 टी20s में टीम इंडिया के लिए श्रेयस अय्यर ने अब तक 417 रन बनाए हैं 27 के एवरेज से और 129 के स्ट्राइक रेट से। अगर ये इस तरीके से ही खेलते रहे तो फ्यूचर श्रेयस अय्यर का ही है। Hit the subscribe option and the bell icon to get all the exclusive sports videos on Extra Time.